हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आपका पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फिजिक्स में वैद्युत ध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यह सिद्धांत सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आप रोजाना क्लास 12th NCERT की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की इसी प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, ये जो सिद्धांत है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ये NCERT बोर्ड में जरूर आता है हर साल। तो आपको इस सिद्धांत पर विशेष ध्यान देना है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, पहले आपको इस सिद्धांत का चित्र बनाना होगा। दोस्तों, हमने इस सिद्धांत का चित्र बना लिया है। अब आप इस चित्र को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आप इस चित्र को ध्यान से नहीं समझेंगे आप इस सिद्धांत को सॉल्व नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हमारे पास दो वैद्युत ध्रुव हैं ए और बी, जिस पर दो आवेश हैं, एक तो प्लस आवेश है एक माइनस आवेश है। प्लस आवेश बिंदु ए पर है और माइनस आवेश बिंदु बी पर है। इन दोनों की जो बीच की दूरी है वह 2L है। क्या है? 2L है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु O है। क्या है? एक बिंदु O है जिस पर थीटा कोण है। इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। बिंदु A और B पर एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है। इस वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को दो भागों में बांटा गया है, एक तो पी साइन थीटा में, एक पी कोस थीटा में। तो आपको क्या करना है, आपको वैद्युत ध्रुव से और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी होगी। तो हम लिखेंगे, माना ध्रुव ए बी बराबर 2L जो अक्ष ए बी से थीटा कोण बनाता है और ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए वैद्युत आघूर्ण P को दो घटकों में व्यक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने बताया कि A और B हमारे क्या हैं, वैद्युत ध्रुव हैं जिनकी बीच की दूरी कितनी है, 2L है। और इन दोनों के बीच में क्या बनता है, एक थीटा कोण बनता है। और बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करने के लिए वैद्युत आघूर्ण को दो घटकों में व्यक्त किया गया है। तो पहला है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पी कोस थीटा के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4π के गुणा 2π कोस थीटा अपॉन आर की क्यू। दोस्तों, आप कहेंगे कि ध्रुव आघूर्ण तो पी कोस थीटा है, तो ये 2 कहाँ से आ गया? दोस्तों, ये पी कोस थीटा है, ये अक्षीय स्थिति में है और जो अक्षीय स्थिति में जो मान होगा उसमें 2 की गुणा हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये अक्षीय स्थिति में है। किस में है? अक्षीय स्थिति में है, अक्षीय रेखा में है, ये मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब कह रहा है कि ये दो घटकों में व्यक्त किया जा सकता, पहला घटक में तो हमने व्यक्त कर दिया, अब दूसरे घटक में कैसे व्यक्त करेंगे? तो आपको लिखना होगा कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पी साइन थीटा के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई टू बराबर 1/4π वैद्युतशीलता के गुणा पी साइन थीटा अपॉन आर की क्यू। तो आपको दूसरे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को ऐसे व्यक्त करना है और इसे मान लीजिए आप समीकरण सेकेंड। अब दोस्तों, हमारे पास E1 का भी मान आ गया है और E2 का भी मान आ गया है। अब आपको लिखना है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर अंडरूट के E1 का स्क्वायर प्लस के E2 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना, अब E1 का मान पुट करना है और E2 का मान पुट करना है। तो हम E1 का मान देख लेते हैं, हमारे पास E1 का मान कितना। तो दोस्तों, हमारे पास E1 का मान है 1/4π वैद्युतशीलता के गुणा 2π कोस थीटा अपॉन आर की क्यू। तो आपको क्या करना है, इसे E1 के स्थान पर पुट कर देना।
तो दोस्तों मैंने क्या करा, मैंने E1 का मान पुट कर दिया है और E2 का जो हमारे पास मान था मैंने वो भी पुट कर दिया है। तो देख लीजिए दोस्तों E2 का मान कितना है, 1/4π विद्युतशीलता K गुणा P sin θ / RQ। तो ये E2 का मान था, तो मैंने E2 का भी मान पुट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है उसे बाहर निकाल लीजिए। दोस्तों उन दोनों में जो चीज़ कॉमन थी वह थी 1/4π वैद्युशीलता के गुणा P/RQ। दोस्तों हमारे पास अब बचा है अंडरूट में ब्रैकेट 2cos θ ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट sin θ ब्रैकेट का स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, इस घात 2 की अंदर गुणा कर देनी है। तो लिखेंगे E बराबर 1/4π वैद्युशीलता के गुणा P/RQ। अब घात 2 की गुणा जब हम 2cos θ में करेंगे तो ये हो जाएगा 4cos²θ। तो हमारा हो जाएगा 4cos²θ प्लस के, और हम 2 की गुणाएं इस sin θ में करेंगे तो ये हो जाएगा sin²θ। अब आपको क्या करना है, sin²θ का सूत्र खोल देना। तो आपको sin²θ के सूत्र को 1 cos²θ में खोलना है। किस में खोलना है, 1 cos²θ में। अब आपको क्या करना है, इस 4θ में से -cos²θ को घटाना है। 4cos²θ में से -1cos²θ चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3cos²θ, और हमारे पास क्या बचा, प्लस का 1। तो दोस्तों हमारी टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो चुकी है। क्या हो चुकी है, टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो चुकी है। तो दोस्तों यदि वैद्युत ध्रुव वायु में स्थित है तब K बराबर 1 रखना होगा। यदि वैद्युत ध्रुव वायु में स्थित है तो हमें K बराबर 1 रखना होगा। तो हम क्या करेंगे, K के स्थान पर 1 रख देंगे। तो K के स्थान पर क्या रखना, हमें 1 रखना, गुणा P/RQ 3cos²θ प्लस का 1। अब 1 की गुणा 4π वैद्युशीलता में कर देंगे। तो दोस्तों हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु के लिए भी ज्ञात हो चुकी है। दोस्तों यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र ई ओपी से फाई कोण बनाता है, दोस्तों मैंने आपको चित्र बताया था कि बिंदु पी पर एक फाई कोण बनता है। क्या बनता है, फाई कोण बनता है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये फाई कोण बना लगे तब आप इसका सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के 2 घटक ज्ञात करे थे, एक तो 2P cos θ RQ P sin θ RQ। तो आपको फाई कोण का मान ज्ञात करने के लिए आपको समीकरण सेकंड और फर्स्ट की भाग देनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड भाग फर्स्ट, तो आपको लिखना होगा tan φ बराबर E2/E1। तो आपको फाई का मान ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र लगाना होगा tan φ (E2/E1). अब आपको क्या करना, आपको E2 का मान रखना और E1 का मान रखना। तो E2 का मान था हमारे पास P sin θ / RQ, और E1 का मान था हमारे पास 2P cos θ RQ। तो दोस्तों इस 2P cos θ की गुणा इस RQ हो जाएगी, और इस RQ की गुणा P sin θ में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा tan φ बराबर P sin θ / RQ गुणा RQ/2P cos θ। अब देखिए RQ अंश में भी है और हर में भी है, तो ये दोनों क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे। तो देखिए P से P कट जाएगा। अब हमारे पास बचा sin θ और 2cos θ।
तो साइन थीटा कोस थीटा बराबर होते हैं टेन थीटा, तो हम लिख देंगे 1/2 टेन थीटा। तो दोस्तों हमारा फाई कोण का भी मान ज्ञात हो चुका है। तो दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, तथा कोई परेशानी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।